हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप की डेट है वो 100% बढ़ेगी, क्या है कैसे पूरी बात की मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। तो आप सबसे ये कहना है कि वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक बने रहे, कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपना नंबर स्क्रीन पर छोड़ दे रहा हूँ, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है अधिकारियों से बात करके आपकी प्रॉब्लम का समाधान ले आऊँगा। तो आप लोग मुझे जो है कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, नंबर है इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी तरीके की दिक्कत आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्कॉलरशिप में कुछ भी आपका फंड आएगा नहीं आएगा कोई एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो तो आप कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है, आने के बाद आपको स्कॉलरशिप के यानी सरकारी रिजल्ट को आप ओपन कर लीजिए। अब सरकारी रिजल्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यूपी स्कॉलरशिप यहाँ दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 तारीख की डेट जो है दिखा रहा है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, क्योंकि मेरी जो अधिकारी से बात हुई थी उसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ बातें उनसे की, वो क्या है कैसे मैं पूरी बात अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आप लोग बस वीडियो शुरू तक बने रहे, कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी ये खुल रहा है दोस्तों, और उसके बाद जो है आप यहाँ से फ्रेश रिन्यूअल कोई भी आप एक खोल लीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप किसी एक को जो है ओपन कर लीजिए। ये SC ST जनरल हो गए, ये OBC हो गए, ये माइनॉरिटी कैटेगरी में जो भी है, तो आप किसी पर भी अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आ गया लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस। अब ये डेट जो है वो एंड हो चुकी है। अब इस कंडीशन में आप लोगों को ये आएगा कि स्कॉलरशिप आप लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं भर सकते। तो खैर मैं यहाँ पर भी इसको भी बता दूँ कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो थंबनेल चल रहा है उस थंबनेल का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आने दीजिए, पूरी थंबनेल में अभी आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और आप लोग मुझे जो है कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कम से कम इस वीडियो के लाइक जो है मैंने जो है 50 का रखा हुआ है, 50 का, अब देखता हूँ कितना लाइक आता है, 50 से लेकर 100 का लाइक है वो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि 7 नवंबर तक की जो डेट है वो रखी गई थी, यानी 7 नवंबर ख़त्म हो गया, आज 8 नवंबर हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में 9-10। तो दोस्तों जो मेरी उनसे बातें हुई उनका ये कहना था कि अभी आप लोगों की जो डेट है वो बढ़ेगी, ठीक है, क्यों बढ़ेगी, बढ़ने की रीज़न ये है कि अभी इस बार अप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, बहुत ज़्यादा कम भरे गए हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ मैं वो भी आपको दिखा दूँ, यहाँ डैशबोर्ड पर आप चले जाइए, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद भी आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने आधार हुए, टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं, फॉरवर्ड इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, यानी इतने भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, अब इतने फॉर्म जो है भरे गए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो है ये सारी, अब ये ऑल डिस्ट्रिक्ट्स का है, तो अब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसको आप चूज कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट का। तो अब यहाँ पर बहुत सी डिस्ट्रिक्ट है पूरी जो है, अब इसमें मैं आगामी डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेता हूँ या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने ये हैं, इतने आधार पे हैं, इतने ये फॉरवर्ड हुए हैं, यानी फॉर्म जो सबमिशन हुए हैं इतने हुए हैं और इतने फॉर्म से भी फॉरवर्ड हुए, इसका मतलब कि इसमें से माइनस कर मालूम हो जाएगा। इसमें इसके अंदर ये न्यू रजिस्ट्रेशन और ये रिन्यूअल के बेस पर रुका हुआ है, देख सकते हैं 3,12,000, 2,91,000। अब इसमें आप तमाम चीज़ें जो है ऊपर नीचे करके देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कितने फॉर्म को वेरीफाई किया गया, कितनी जनरल, कितनी माइनॉरिटी, कितनी कैटेगरी, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि भी फॉर्म पे वो कम भरने की वजह से, तो इस कंडीशंस में जो है एप्लीकेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से अभी जो है स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड होगी, ये उनका रीज़न था। और फिर मैं आज उनसे जो है बात करूंगा और बात कर आप तक ये रिपोर्ट लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि डेट कब तक जाएगी, क्योंकि डेट तो 100% बढ़ेगी, और डेट जो है ये पूरा मेरे ख्याल से अगर उनकी बातों से लग रहा था कि दिसंबर तक, मतलब जो है नवंबर पूरा रहेगी। तो जैसे ही मुझे अपडेट और मिलती है मैं आप तक ले आता हूँ। तो दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित।